ओके गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नोटिफाइंग यू। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड से गर्मा गर्मी के माहौल में चला आ रहा है इस समय। गर्मा गर्मी का माहौल क्यों सर? क्रेडिट के एड्स की वजह से ज़्यादातर लोगों के अंदर अब ये जानने की उत्सुकता आ गई है इसकी क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है और इसके फ़ायदे और इसके नुकसान क्या होते हैं। थंबनेल में आपने देखा लाखों बचाएं अपने, लाखों कमाएं अपने क्रेडिट कार्ड से। अब लाखों बचाएं और लाखों कमाएं में क्या डिफरेंस होता है सर? एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड। मीन्स जितना आप बचत करते हो उसका ये मीन्स जितना बचत करते हो उसको ये समझ के चलो कि उसको आप कमाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेविंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। और सेविंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब हम लोग ये बकवास नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की। जो आप सुनने आओ वो सुनो और यहाँ से मतलब मत जाओ, सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ सर, जो सुनने आए हैं वो सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या होता है क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड आपका वो कार्ड होता है जो आपको बैंक इशू करता है जब आपका जो क्रेडिट स्कोर मीन्स आपका लेन देन जो बैंक से है वो अच्छा होता है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। और आपने काफ़ी लोन्स के बारे में सुना होगा या फ़ोन कर करके जो बैंक वाले लोन देते हैं कि भैया 2 लाख का लोन ले लो, 10,000 का लोन ले लो, पर्सनल लोन्स ले लो। यही लोन जब आप रीपे करते हो, मतलब जब बैंक को वापस करते हो, तो जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, जो आपकी सिबिल होती है, उसको सही करता है। मीन्स तभी आपको क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। चलिए क्रेडिट कार्ड तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लोगे, भाई इंडियन हो, इतना तो आपको आता ही है कि कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। अब बात हम लोग जिस मुद्दे के लिए इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया है वो है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे भैया कि क्रेडिट कार्ड के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं। चलिए पहले एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो जी हाँ, पहला एडवांटेज आपका क्रेडिट कार्ड का जो है वो है बायर प्रोटेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग बायर प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब होता है यार? बायर प्रोटेक्शन क्या होती है? बायर प्रोटेक्शन को समझना क्या होता है आखिर, समझते हैं। देखिए जब भी आप किसी भी ऐसी साइट, देखिए हजारों साइट इस समय इंडिया में है और पूरे वर्ल्ड में इतनी हजारों साइट्स हैं जहां पे आप शॉपिंग करते हो या फिर जहाँ पे आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। आपको कुछ अच्छा लगा यार, धड़ से आपने 200-300 क्या ही सोचना, फटाक से पेमेंट करो और पेमेंट आप करते हो। फ्रॉड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, प्रोडक्ट वापस नहीं आया, प्रोडक्ट आप तक पहुंचा नहीं। इसी चीज़ को क्रेडिट कार्ड नामक चीज़ आपको बचाती है। देखिए जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ स्वाइप करते हो या क्रेडिट कार्ड से जब आप इन साइटों में लॉगिन करते हो या फिर इन साइटों में पैसे जाते हैं आपके, तो जो क्रेडिट कार्ड है अगर आपका कोई भी फ्रॉड होता है यानी परचेज आपके पास नहीं आता है, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है ये आपका 100% रिफंड करवाती है। और क्रेडिट कार्ड कंपनी में आपको बस चार्ज डिस्प्यूट डालना पड़ता है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो चार्ज बैक है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको दिलाती है ना। एक इंटरेस्टिंग बात कि आपने शॉपिंग भी करी, मतलब अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रद्द कर देगी और आपके बैंक अकाउंट आपका एक भी रुपए जाया नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्रेडिट कार्ड रखने का ये होता है 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। मींस इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का मतलब है अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है आज, लेकिन आपको कुछ पसंद आया है और आपको खरीदना है, तो आपको सिंपली कार्ड को स्वाइप करना होगा और आप वो चीज़ खरीद सकते हो। अब जब आप वो चीज़ें खरीद लोगे, जब आपने वो चीज़ खरीद ली, तो आपके पास 50 दिन का समय होता है क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने का। 50 दिन में आप एक तो आपको 50 दिन मिल जाते हैं। मीन मान लीजिए आपकी सैलरी पेंडिंग है, आपको कोई चीज़ खरीदनी थी, आपने खरीद ली, जैसे आपकी सैलरी 30-40 दिन के अंदर आपने उसको क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई चीज इमरजेंसी में खरीदनी होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी घर में आ जाती है जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो सकती है, तो आप क्रेडिट कार्ड आपका अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो जो आपकी परिस्थिति उत्पन्न हुई है भाई साहब हिंदी, जो परिस्थिति आपकी आई है वो सही हो सकती है। वो सही हो सकती है मीन्स आप उस प्रॉब्लम को टाल सकते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके। अब लिमिट क्या है ये बहुत सब पे डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्या लिमिट दी हुई, आपके बैंक ने आपको क्या लिमिट दी हुई उसको खर्च करने की। लाखों भी हो सकती है, हजारों में भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कैसा है उसको देखते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो। जब आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे सर आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कि होती है रिवॉर्ड्स।
क्रेडिट कार्ड, अब इसमें आधों के तो कान खड़े हो गएंगे अभी तक वीडियो देखी हो ना हो, लेकिन अब जो रिवॉर्ड्स की बात करेंगे, रिवॉर्ड, कैशबैक्स और एयर टिकट्स, इन सब पे आपको क्रेडिट कार्ड होने के क्या फायदे होते हैं अब हम बताते हैं। आपको जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो आपको एक स्कोर देती है या फिर आपको पॉइंट्स देती है, उन पॉइंट्स को आप रिडीम भी करा सकते हो। आपके एक तरीके से ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आते हैं, जिससे आप अपने एयर टिकट्स तक ले सकते हो, एयरप्लेन आपका फ्री करा सकते हो। अगर आपके पास अच्छे खासे कार्ड्स हैं वाले, आपके पास अच्छा खासा रिवॉर्ड है, आप एयर टिकट्स फ्री करा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है, पर उससे अमेजिंग बात ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक कैशबैक आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.25% से लेकर 3.33% तक आपको कैशबैक आता है। मान के चलते हैं आपने कोई भी चीज़ 10 रुपये की खरीदी, तो उस 10 रुपये की चीज़ पर आपको 3.3 रुपीज़ वापस आएंगे। सर ये भी रख लो, इसका मैं क्या करूँगा, 2 कौड़ी की चीज़ बता रहा था 3 रुपये। नहीं सर, अब मान लीजिए आपने कोई 10 लाख का सामान खरीदा, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आपने अगर 10 लाख का सामान खरीदा तो आपके पास 33,000 रुपये वापस आ सकते हैं। क्या ये छोटा अमाउंट है 33,000 रुपये? नहीं सर, एक आप नॉर्मल फ़ोन खरीद सकते हो इसमें कार के साथ। अगर आपने 10 लाख का कोई भी आपने क्रेडिट स्कोर, आपने क्रेडिट यूज़ करा है, आपको 3.33% यानी 33,000 रुपये वापस आ रहे हैं सर। ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, एक बहुत बड़ा कैशबैक है। मीन्स नॉर्मल अगर यही चीज़ 20 लाख करो, पता नहीं कितना, 3.33% 60-70 हज़ार के करीब ये वापस आपके पास आ जाता है। और आपके पास जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो कोई ना कोई कैशबैक आता ही आता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर आपका चौथा जो एडवांटेज होता है क्रेडिट कार्ड को रखने का, आपका जो सिबिल स्कोर होता है उसको सही होता है। सर सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर आपका सर बैंक का होता है, जिसमें आपको होम लोन्स, कार लोन्स लेने में आसानी मिलती है। ये आपके कुछ पुराने लोन्स की रीपेमेंट स्लिप्स होती हैं कि आपने कैसे कैसे लोन्स को वापस करा है। मीन्स आपने कोई लोन लिया और आपने वापस करा, तो आपका सिबिल स्कोर आपका मेंटेन होता रहता है, आपका सिबिल स्कोर जो है वो सही होता रहता है। आपकी जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी किसी भी ट्रांजैक्शन को करने में, किसी भी तरीके के लोन को अप्लाई करने में, होम लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन, किसी भी तरीके का लोन आपको झट से मिल सकता है बैंक की तरफ से, अगर आपका ये स्कोर अच्छा है तो। उसके बाद आपको आपके क्रेडिट कार्ड होने के फायदे, आपको लाउंजेस में, एयर टिकट्स में, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ के जो लाउंजेस होते हैं वहाँ पे आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है। कुछ कुछ कार्ड्स में ये भी फैसिलिटीज़ होती हैं कि आपको जब आप लाउंज जाते हो या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको वहाँ का फ्री एक्सेस मिल जाता है, जो कि एक्चुअली पेड होता है। एयरपोर्ट चेक इन आराम से हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पर्क्स आते हैं आपके साथ। पर्क, चॉकलेट वाला पर्क नहीं, पर्क दूसरा वाला, गूगल पे सर्च करो। दूसरे पर बहुत सारे ऐसे पर्क्स आपको मिल जाते हैं जो आप सोचते हो। उसके बाद जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, बहुत सारे लोगों को घूमना फिरना, इंटरनेशनल ट्रिप्स करना बहुत पसंद है, इंटरनेशनल भी जाते रहते हैं। अमीर लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत अमीर लोगों की सर। अब ऐसे अमीर लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या नाम है, उनको जो करेंसी एक्सचेंज होती है, मीन्स यहाँ का रुपया बनवाना होता है, वहाँ डॉलर में डॉलर से आते हैं तो यहाँ रुपया करवाना, जो कन्वर्टेशन होता है वो आसान हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। सीधे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, जो भी खरीदना है आपको कोई भी झिकझिक से निपटना ही नहीं पड़ेगा, इसके बीच ही में नहीं पड़ना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड्स और फॉरेन के ऑनलाइन परचेजेस आपके बहुत आसान हो जाते हैं, आपको ट्रांजैक्शन की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद आपको मिल भी जाए 3.33% का कैशबैक और रिवॉर्ड्स अलग से, पॉइंट्स अलग से। उसके बाद जो मुझे लगता है कि यार इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये लास्ट पॉइंट है और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ फॉर माई प्रोस्पेक्टिव एज अ फाइनेंस के फील्ड के हिसाब से। अगर जो चीज़ मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो है सर क्रेडिट कार्ड, आपका कुछ क्रेडिट कार्ड्स आपके इंश्योरेंस कवर भी करते हैं। मीन्स आपका ये इंश्योरेंस जो एक्सीडेंटल कवर, आपके कोई मान लीजिए आप ट्रैवल करने गए, आप फॉरेन कंट्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कवर्ड रहते हो, आप सिक्योर रहते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी इतना पैसा आपको देगी। उसके बाद आप मान लीजिए आपका कोई एयरप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास एक इंश्योरेंस कवर होगा जो आपकी हेल्प कर सके सर, जो आपकी हेल्प कर सके। और यही हमको
ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी फैसिलिटीज़ एक तरफ और एक इंश्योर रहने की फैसिलिटीज़ एक तरफ। इंश्योरेंस पे सर वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम, बहुत से बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इंश्योरेंस पे वीडियो बनाओ कि कौन सा इंश्योरेंस और क्यों इंश्योरेंस ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड क्या बोल रहे हैं, नहीं भाई आपको स्टे विद अस, हम लोग बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए लाने वाले हैं। कैसे आप 3,000 रुपये 5,000 रुपये साल से अपना 1-2 करोड़ का हिसाब आप अपने किनारे रख सकते हो, ये सब कुछ हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन आपको उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है सर। उसके बाद बात अभी ख़त्म नहीं हुई क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको 1-2-3 चीज़ों का ध्यान भी देना पड़ता है। आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ जाता है अगर आपने 50 दिन के अंदर अपने जो लोन है, जो आपने लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से, जो आपने पैसे क्रेडिट कार्ड से लिए हैं, अगर उनको आप वापस नहीं करते हो तो आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, यानी भारी भरकम इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। अगर आप लोन वापस नहीं करते हो, जो भी आपने एक तरीके का लोन ही लिया, अगर आप उसको वापस नहीं करते हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप होम लोन आगे नहीं ले सकते हो, होम लोन हाउस लोन दिक्कतें आ जाती हैं अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है तो। और उसके बाद बहुत सारा परचेजेस आ जाते हैं सर आपके सामने, जब भी मन करा चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा खत्म। नहीं सर, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है, आपके पास कार्ड है तो आपको लगता है कि 50 दिन बाद पे कर देंगे, इसके चक्कर में आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। उसके बाद कुछ कार्ड्स में एनुअल फीस नहीं पड़ती है, पर कुछ कार्ड्स में आपकी कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पड़ते हैं, जो कि आपको पे करने पड़ते हैं कुछ कुछ कार्ड्स में, जिसमें आपको फीस पे करनी पड़ती है। पर क्रेडिट कार्ड के यार मुझे लगता है एडवांटेज इतने सारे हैं कि आपको लेना ही लेना चाहिए, सबको रखना ही रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा कोट मेरे पास है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपका वेस्ट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके आपके पास स्कोर मिले, जिसका आपको रिवॉर्ड्स मिले, बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यही थे कुछ क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेज। मुझे लगता है आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई, आपको सब समझ में आया सर। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट में डालिए, अगली वीडियो में फिर हम आपको समझा देंगे अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास है तो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सर, ऐसा मत करिएगा सर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। आई होप आई हैव नोटिफाइड यू।